नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और वीडियो में वी वीजा सर्विसेज की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इनडायरेक्ट फ्लाइट्स के और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हमने अपनी फ्लाइट बुक करनी है, स्पेशली जब हमें अपना इनडायरेक्ट रूट लेते हैं फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा PPRs आई हैं, क्यूबिक की भी कुछ आई हैं और अपार्ट फ्रॉम क्यूबिक तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे का डिसीजन आ चुका है फॉर सितंबर। और हुआ क्या है कि डिसीजन तो आ चुका है बट जो डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से वो कंटिन्यू नहीं हुई हैं। मतलब अगर आपको इंडिया से कैनेडा जाना है तो आप डायरेक्टली इंडिया से फ्लाइट लेकर कैनेडा नहीं जा सकते हो, आपको पहले किसी थर्ड कंट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ पर कोविड टेस्ट करना पड़ेगा और वो कोविड टेस्ट करके आप ट्रैवल कर सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे जो टॉप ऑप्शंस हैं उनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ फॉर मालदीव्स, और जो सेकंड ऑप्शन है वो है रशिया, एंड थर्ड ऑप्शन है मेक्सिको, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ अल्बेनिया। तो ये चार ऑप्शंस हैं जो आज की डेट में ऑप्ट हो रहे हैं। आज है 7th of August 2021। हो सकता है कि आने वाले टाइम में रूल्स चेंज हो जाएं, जैसे कि पहले भाई दोहा एंड सर्बिया जो है फ्लाइट चल रही थी, बट आज की डेट में दोहा में 10 डेज का क्वारंटाइन एंड सर्बिया में 7 डेज का क्वारंटाइन मैंडेटरी कर दिया गया है ड्यू टू हाइक इन कोविड केसेज ओवर देयर। तो इस वजह से वहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो कंटिन्यू ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू मैंडेटरी क्वारंटाइन। तो वहाँ पे क्वारंटाइन करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स फॉर 7 or 10 days। तो हमारे पास जो ऑप्शंस रहते हैं वो ये हैं अल्बेनिया, मालदीव्स, रशिया एंड मैक्सिको। जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ टू टेक फ्लाइट बाय रशिया, एंड रशिया की फ़्लाइट है वो इंडिया टू रशिया एंड देन रशिया टू जहाँ पे भी आपको जाना है, मॉन्ट्रियल, टोरंटो या वैनकूवर, तीनों की फ़्लाइट्स वहाँ से ईजिली मिल जाएंगी। एंड जो ड्रॉबैक है रशिया का वो वहाँ का वीज़ा है, क्योंकि उसमें 10 to 15 days जो है लग जाते हैं जब इंडिया से अप्लाई करते हैं फॉर रशिया। 10 to 15 days का टाइम है फॉर वीज़ा, तो ये टाइम हमारा थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। एंड जो एडवांटेज है वो ये है कि रशिया से नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स जो है वो कंपेरेटिव टू अदर लोकेशंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप एक बार रशिया पहुँच जाते हो वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स, कनेक्टिंग फ्लाइट्स जो है वो कैनेडा के लिए मिल जाती हैं। जो सेकेंड है दैट इज़ ऑफ मालदीव्स, इंडिया टू मालदीव्स जो वीज़ा है दैट इज़ ऑन अराइवल, मीन्स अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, अगर आप मालदीव्स जाना चाहते हो तो आप अपना जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल ले सकते हो। अगर आप मालदीव्स पहुंच जाते हो, मालदीव्स पहुंचने के बाद आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना है, कोविड टेस्ट करवाने के बाद आपको ट्रैवल करना है। वहाँ पे कोविड टेस्ट करने के बाद आपको 12 टू 14 आवर्स में रिपोर्ट मिल जाती है। $100 to $150 वहाँ पे कोविड टेस्ट की फ़ीस है, और जो इसके बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे ट्रैवलिंग एंड ऑल वो आपके खुद के रहते हैं, जो एयरपोर्ट पिकअप एंड होटल के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद से बियर करने होते हैं। एक जो डिसएडवांटेज है मालदीव से कि यहाँ से जो फ्लाइट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, जैसे कि लुफ्तांजा की फ़्लाइट है बाय फ्रैंकफर्ट, तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ्लाइट्स हैं, एक या दो फ्लाइट्स ही ऑपरेट होती है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फ्लाइट्स का अगर आप मालदीव्स ऑप्ट कर सकते हो। तो मालदीव्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। जो थर्ड ऑप्शन है वो है मैक्सिको। अगर आप कैनेडियन वीज़ा होल्डर हैं और इंडियन पासपोर्ट पर आपका कैनेडियन वीज़ा है तो मैक्सिको में आपको एंट्री विदाउट एनी वीज़ा मिल जाती है। जब आप इंडिया टू मैक्सिको जाते हैं, मैक्सिको में आपको 2 दिन का स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कोविड टेस्ट है उसका जो रिज़ल्ट है वो 13 आवर्स के बाद आएगा, तो 2 दिन का स्टे बनता है, उसके बाद आप वहाँ से आगे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनडायरेक्ट फ्लाइट में। एंड जो लास्ट है दैट इज़ अल्बेनिया। अल्बेनिया बहुत रिसेंटली इन्होंने जो क्वारंटाइन है वो बंद कर दिया है, तो विदाउट क्वारंटाइन जो है स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अल्बेनिया का क्या सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी बात है कि ये कोविड टेस्ट सेम डे में आपको रिपोर्ट दे देते हैं, विद इन 2-3 hours जो है इनकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। उसकी एडवांटेज ये है कि आप इनफेक्ट सेम डे में भी अपनी फ्लाइट जो है कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हो, आपकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सेम डे में और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आपको मिल जाए, तो इस केस में आप इनफेक्ट सेम डे में भी आके ट्रैवल कर सकते हो। बस इसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, दिस इज़ विथ ऑल, चाहे आप रशिया से जाते हैं, चाहे आप मालदीव से जाते हैं, चाहे मेक्सिको से जाते हैं या फिर अल्बेनिया से जाते हैं, आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप अपने होटल बुकिंग्स करते हो या कोई भी बुकिंग्स करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी जो बुकिंग्स है वो रिफंडेबल रहें। हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो कभी भी चेंज हो सकती है, ये ना हो कि आप यहाँ से मेक्सिको की टिकट ले लो, ठीक है, टिकट ले लिया, वहाँ पे पहुँच गए एंड वहाँ पे अगर क्वारंटाइन एक्सटेंड हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस केस में हो सकता है आपको अर्ली एग्जिट करना पड़े या फिर लेट करना पड़े, तो उस केस में आप इस तरह से अपनी जो
आइटनरी है वो इस तरह से बनाइए जहाँ पे आपको मिनिमम लॉस हो, इन केस अगर आपको रिफंड भी करना पड़े तो उस केस में आपको जो लॉस है वो ज़्यादा ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी, जो रूट है वो बिल्कुल सेफ है, इनडायरेक्ट रूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूरिंग योर इमिग्रेशन आपको कोई एज सच क्वेश्चन नहीं होगा रिगार्डिंग योर रूट एंड ऑल, तो अगर होगा भी देन यू कैन आंसर देम जो भी आपका रियलिटी है, बिकॉज डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो इंडिया से नहीं चल रही है, तो दिस इज ओनली रीजन। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थैंक यू सो मच।